क्वेश्चन नंबर वन, ट्रांसफार्मर में डाउट्स बताओ। एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर वन, वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। फर्स्ट जीरो कितना आया? हाँ भाई दीपा, सर फर्स्ट जीरो के में आया? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। जी सर। अरे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सर जीरो के में आया। 0 क्यों आया, किसके कारण? यस हरदात, टेल विद द माइक। सर जो हाँ बैटरी है उसका कंटिन्यूअस वोल्टेज होगा, तो क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फिर कुछ होगा ही नहीं इंड्यूस। राइट। अरे दीप, डीसी पे तो काम ही नहीं करता ट्रांसफार्मर, ठीक है सर। फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी, तो सेकेंडरी में हमेशा ही 0 रहेगी। एनीथिंग एल्स इन पार्ट जे, एनी अदर डाउट? बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा ये जो पार्ट के है ना, ये वी विल डू इन नेक्स्ट चैप्टर। ये टॉपिक एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का है, तो एलसी ऑसिलेशन। जब हम ये टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, तब तुम लोग ये एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज 1 पार्ट जे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक कोई डाउट? सर फोर्थ सी नहीं आना चाहिए था? फोर्थ दे विच नहीं सर, सी ये सोच बैठ रही है। ठीक है ठीक है ठीक। है, सेम फंडा हाँ जी सर, दीप। ठीक है। शिरवी, हाँ जी सर, ठीक है ठीक है शिरवी। सर। सर अपन जिधर ट्रांसफर क्या ये सर जिधर ट्रांसफर नहीं किया हमने, उसमें कोई ऑयल की बात तो की नहीं? जेटा बाहर लगाना हो तो ऑयल पहना होना तेल। ऑयल? अच्छा तेल, अरे हाँ डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर आंदे ने, डैम्पिंग वास्ते भी यूज होता है, बहुत बहुत चीजें वास्ते यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है। अपने बेसिक प्रिंसिपल कितना है ट्रांसफार्मर का? ट्रांसफार्मर का ये प्रिंसिपल है, बेसिक कंस्ट्रक्शन। सर यहाँ पर अगर डीसी की जगह एसी वोल्टेज होती तो क्या होता? यहाँ पे एक सेकेंड, फिर भी इसमें डीसी वोल्टेज है, इस कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो सेकंड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, 0 ईएमएफ। हाँ भाई सुमित ना, अर्शित। सर अगर फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर तो जैसे डीसी, अगर इसकी जगह एसी वोल्टेज होती तो क्या होता? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड ऑन द प्राइमरी साइड टू अ एसी वोल्टेज व्हिच कैन डिलीवर अ लार्ज करंट, द बल्ब इज कनेक्टेड एंड देन। हम तुम बताओ क्या होता? सर जैसे वोल्टेज तो उसमें इंक्रीज होती है, फिर करंट भी तो डिक्रीज हो जाता है, तो अच्छा तो फिर सर पावर का फॉर्मूला तो वाई स्क्वायर आर होता है और बी स्क्वायर बाय आर भी होता है। रेजिस्टेंस तो सेम ही है सर, इसमें जैसे ओम्स लॉ तो नहीं फॉलो होएगा? दोनों वी आई एस केस आ गए। नहीं, जब ट्रांसफर होती है एनर्जी उसमें ओम्स लॉ नहीं होता, उसमें ओम्स लॉ कैसे लगेगा? हम तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना एनर्जी। सर वही वी, जब वी बढ़ेगा तो आई तो कम नहीं होएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज तो रही नहीं, तो फिर आर की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, तभी वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर इक्वल आएगा। सर एक बल्ब वो तो मतलब मार्केट से खरीदा हुआ है, वो उसकी कौन सा कोई रेजिस्टेंस ऐसे चेंज होगी? वो तो सेम ही रहेगी रेजिस्टेंस, उसमें थोड़ी फर्क आएगा। बताओ भाई क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि अगर
यहाँ पे बैटरी की जगह एसी वोल्टेज लगी होती तो उस केस में बल्ब ज्यादा ग्लो करता या कम ग्लो करता या फूकी जाता? मतलब चलो, फूकने वाली बात तो ये है कि हमें पता नहीं है कि कितनी वोल्टेज आ रही है ना राइट साइड में, तो वो तो अगर रेटेड रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आएगी तो वो फूक जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बल्ब है उसको जो वोल्टेज मिल रही है वो उसकी रेटिंग से कम, मतलब ज्यादा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, लेस ब्राइटनेस। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ज्यादा ब्राइट नहीं हो सकता। क्योंकि वोल्टेज बढ़ गई। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, दीप कमल पाल सिंह सिद्धू। इट डिलीवर्स लेस करंट। हमारे फ्यूचर के जैसे बल्ब हैं हरमन, कैसे ग्लो ही नहीं होगा। हाँ, कंफ्यूज तो कर दिया मैंने, वो तो है। चलो, ये तुम लोग, आज का दिन देता हूं तुम लोगों को। हमें किसके कंपैरिजन में, हाँ ये मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, किसके कंपैरिजन में हमें ब्राइटनेस बतानी है। हमें बतानी है कि अगर उसको डायरेक्ट सप्लाई से लगाते, डायरेक्ट सप्लाई बल्ब लगा दिया, या फिर हमने बीच में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है। ओके, चलो इसको कल मुझे याद कराना। सबसे पहली चीज हम यही डिस्कस करेंगे, इसका आंसर तुम लोग ढूंढ के लाना, दिमाग लगा के लाना इस पे कि क्या होगा। ठीक है अर्षित, क्वेश्चन अच्छा है, सब लोग दिमाग लगाओगे, आंसर ए होगा या सी होगा या कुछ भी, क्या होगा मतलब। हाँ प्रैक्टिकल, हाँ करें, अगर है जुगाड़ ट्रांसफार्मर है तो करके देखना प्रैक्टिकल, लेकिन ध्यान से वोल्टेज कम यूज करना, नहीं उड़ा दे सब कुछ। सर अगर करंट एसी हो तो भी हम पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे। मेरे को एक बात बता, चाहे फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर यूज कर ले, चाहे आई स्क्वायर आर यूज कर ले, क्या फर्क आना चाहिए दोनों में? क्या सर पावर देख, पावर डिफरेंट आएगी क्या दोनों फॉर्मूलों से? एक बल्ब लगा है नहीं मेरे सर, पास, ये बैटरी लगी है, मैं इधर वी स्क्वायर बाय आर यूज कर रहा हूँ या आई स्क्वायर आर यूज कर रहा हूँ, क्या पावर डिफरेंट आएगी दोनों केसेस में? सर यहाँ पर तो आ रही है, यहाँ पर तो आएगी कहां पे आएगी? यहां पर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर। यस सर, में, ट्रांसफॉर्मर सर वही तो। यस सर, क्वेश्चन में तो दिमाग अगर लगा के लाना तुम लोग का। नहीं वैसे ही सर एसी में ये दोनों वैसे मैं तुम फॉर्मूला लोगों को बताता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, वैसे जनरल कंसेप्ट में बताता हूँ, चाहे जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो तुम लोग, एसी कर लो डीसी कर लो, ट्रांसफार्मर को भी छोड़ दो, इसमें इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सर्किट में बल्ब मेरे पास कनेक्टेड है, चाहे वो डीसी से कनेक्टेड है चाहे वो एसी से कनेक्टेड है, उसमें चाहे वी स्क्वायर बाय आर यूज करो चाहे आई स्क्वायर आर यूज करो, पावर सेम आएगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, और आनी भी चाहिए, अदरवाइज तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ा झोल हो गया। नहीं,
तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो, कल करते हैं इस पे चर्चा, तुम लोग दिमाग लगा के लाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हरदार, तो क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है हरदात सर? यहाँ पे बैटरी की जगह एसी पावर सप्लाई की है, ठीक है? बोलो सुमित। जो आपने कहा था इस फोर्थ के फोर्थ क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर और एक डायरेक्ट सर्किट भी जुड़ा हुआ है उसके साथ रेजिस्टेंस, क्या क्या आपने कहा नहीं था अभी ट्रांसफार्मर के जो आपने सर्किट बनाया था अभी इसको फाइंड करके आना, उसमें डायरेक्ट सर्किट भी था ना एक रेजिस्टेंस के साथ? नहीं नहीं यार, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था दो चीजें, तुम्हें तो ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा है, ट्रांसफार्मर लगा इधर, सेकेंडरी में बल्ब लगा है, ठीक है सर, ठीक है वो ठीक है, अब मुझे रेजिस्टेंस लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक, 9th क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर द कोर मस्ट बी मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग आयरन लॉसेस, मतलब जो बल्क में लॉसेस होते हैं अंदर, आयरन कोर जो है उसके अंदर जो लॉसेस हैं, उसके अंदर लॉसेस बताओगे मुझे कौन कौन से होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ लॉसेस आर देयर? ये दो तीन तरह के लॉस हैं, राइट? तो ये इन तीनों लॉसेस को हमें कम करना है। यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस का सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, ठीक है? इन दो लॉसेस का सोल्यूशन दे रखा है, परमीएबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी, चारों ऑप्शंस में। तो एडी करंट्स, अगर मुझे करंट को कम करना है तो कोर की रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए, हाँ के ना? यस सर। तो दैट मींस हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, यस सर, राइट? एंड अगर मुझे फ्लक्स लीकेज कम करना है तो मैं ये चाहता हूं कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर से निकले, हवा में से ना जाए, हाँ कि ना? यस सर, हाई परमीएबिलिटी। तो दैट वुड मीन हाई परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी का मतलब होता है परमिशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू दैट मटीरियल, तो हाई होनी चाहिए वो परमीएबिलिटी, वो बहुत ज्यादा परमिशन दे, सारी सारी परमिशन दे दे भाई, सारा मेरे अंदर से ही निकल, बाहर से नहीं जाना। तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, एनीथिंग एल्स टिल 13? डन, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ट्रांसफार्मर के? क्वेश्चन नंबर 9, चलो मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, एनी डाउट टिल 10? टिल 20? टिल 30? टिल 40? Till 50, अच्छा है नहीं 30 के बाद, ओके, एनीथिंग इन द एक्सरसाइज? और शित अभी 11 पे कहां पहुंच गया अब? अर्षित बोलेगा सर डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना अर्षित? अर्षित अनम्यूट हो जा जरा। यस सर। हाँ बता क्या डाउट है इसमें
सर इसमें जो करंट तो 2 एम्पियर ही दिया हुआ, और इन्होंने पूछा भी प्राइमरी करंट हुआ है तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? होना चाहिए, ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये सर प्राइमरी सर्किट में दिया हुआ है। टू इट गिव्स 2 एम्पियर्स टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, तो दिस इज सेकेंडरी करंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। जो ये 220 वोल्टेज है ये तो प्राइमरी वाली है ना? प्राइमरी है। ओके सर, इसमें सर जो पावर डिलीवर होगी हमें वो सेकेंडरी वाली फाइंड करनी है ना? सेम होगी या नहीं होगी? 100% एफिशिएंसी। फिर तो सर वो वाला बल्ब भी सेम ब्राइटनेस से ग्लो करना चाहिए। डोंट टेल द आंसर, डोंट डिस्कस इट नाउ। तुम लोग कल को दिमाग लगा के आओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है ऑप्शन हो उसमें। मैंने तो वैसे ही पूछा है कि मुझे आप बताओगे, आंसर बताओगे। ठीक है, क्या पता सेम हो, क्या पता कम हो, क्या पता ज्यादा हो। चलो एनीथिंग एल्स इन दिस चैप्टर? डन। चलो जी बढ़िया है, तो विद दिस वी फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। जो लास्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस, वो आप लोग क्या अगले चैप्टर में करेंगे? ठीक है, तब आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो जी।